विधानसभा में हो रहे उपचुनाव पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि घोषी की जनता है भाजपा के साथ। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में करने जा रही है मतदान। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने 9 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, यह प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को लोक अदालत के प्रति करेगी जागरूक। 6 सितंबर को यायावरी भोजपुरी महोत्सव का गोकुल अतिथि भवन में किया जाएगा आयोजन। महोत्सव समिति के सदस्य सुधीर मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह का विदाई समारोह का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर ने कुलपति को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यापकों ने जिलाध्यक्ष राजेश धर दुबे के नेतृत्व में BSA कार्यालय पर किया प्रदर्शन। मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की सरकार से की मांग। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू बुखार से रोकथाम के लिए 38 टीमों का किया गया गठन। टीमें डोर टू डोर पहुंचकर मच्छर जनित बीमारियों से खात्मे के लिए पब्लिक को करेगी जागरूक। शाहपुर थाना की पुलिस टीम ने शॉपिंग मार्ट में चोरी की घटना के वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए शातिर चोर के पास से चोरी का 1,11,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व हेलमेट किया बरामद। स्वीपर ने ही चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। गोरखपुर के साइबर सेल टीम को अहम कामयाबी लगी हाथ। साइबर सेल की टीम ने CEIR पोर्टल ऐप के जरिए 4 मोबाइल फोन किया बरामद। SPCT ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर SSP का बयान। कहा, सुरक्षा को लेकर सभी थानेदारों को दिया गया है निर्देश। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने घोषी विधानसभा चुनाव पर कहा कि घोषी की जनता भाजपा के साथ है। वह अभी तक दंगा व फसाद झेलती आ रही है, लेकिन अब इन सबसे ऊपर उठकर 5 सितंबर को भाजपा के पक्ष में मतदान करने जा रही है। वहां की जनता की पसंद दारा सिंह है। उन्होंने कहा कि दारा सिंह प्रदेश की जनता के साथ आए हैं। वहां पर मछुआ समुदाय का वोट 65,000 है। अब मछुआ समुदाय को बहकाने वाले खत्म हो गए हैं और पौवा बांटने वाले खत्म हो गए हैं। अब सभी लोग पावर के साथ हैं। इस समय 10,000 मछुआ समुदाय के लोग कमाने चले गए हैं। इसके अलावा राजभर समाज भी भाजपा के साथ है। सभी राम भक्त हैं, इसलिए सभी घोषी की जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा, मुसलमान भी अब भाजपा के साथ हैं, क्योंकि कोविड में सभी को निशुल्क राशन व पक्का आवास मिला है, इसलिए सभी मुसलमान भाजपा के साथ हैं। उन्होंने कहा, हम लोग 65,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, ये विपक्षियों के जो नाइंसाफी करने का जो उनका जो है कुचक्र है, उस पर विराम लगा। घोषी के जो 70% जनता है, वो उस तलवार की नोक, वह दंगा व फसाद सब वहाँ जानती रही और दंगाइयों के खिलाफ हमेशा वोट डालती रही वो। और उस क्षेत्र की जनता की पसंद दारा सिंह, अब प्रदेश की पसंद भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए दारा सिंह ने प्रदेश की पसंद की जनता के साथ आए और उनको सब वोट कर रहे हैं। और हमारा वोट 65,000 है और मछुआ समुदाय को अब बहकाने वाले ख़त्म हो गए, पौवा बांटने वाले ख़त्म हो गए, अभी पावर वाले आ गए। पावर के साथ रहने के लिए सब तैयार हैं और 65,000 में इनकी ना जो धोखेबाजी है, उसके वजह से लगभग 10,000 वोट मेरा बाहर कमाने चला गया। बाकी सारे वोट हमारे जो है निषाद पार्टी और राजभर है। तेली बढ़ई लोहार कहाँ मौर्य सब है, किशोर पिछड़ी ब्राह्मण कहाँ जाएगा, पर कास्ट कहाँ जाएगा, भाजपा को छोड़ के कहाँ साइकिल बटन दबाएगा। भाई राम भक्त हैं अपर कास्ट, निषाद राम भक्त हैं, राजभर राम भक्त हैं, सारे हिंदू राम भक्त हैं। और राम का मंदिर निषाद भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी वोट दे रही है। और सभी जाति मुसलमानों में भी करी, ये जालीदार टोपी वाले भी कह रहे हैं कि भारतीय कि ये जो सपा है वो जाली है,
और जाली है इसलिए कि उनका उनका नौकरी खाली है, थाली खाली है, जेब खाली है। इसलिए मुसलमान भी कहता है कहाँ बटन दबाना जाए, कांग्रेस उसका साइकिल वाला जब पावर में आते हैं तो अपने लोगों को नौकरी देते हैं, हमको तो पूछते भी नहीं है। तो मुसलमान भी गरीबी में पूछा किसने कोरोना में, हम सबसे ज़्यादा गरीबी मुसलमानों में है, तो अनाज हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, तो जो मकान पाया, इलाज पाया, खाना खाया, वो हमारे बात का क्यों जाएगा उधर। तो ये सारे के सारे देखेगा इस आज चुनाव पक्ष में है और निश्चित रूप से जीत होगी। अच्छा, कितने बड़ी जीत मानी जाएगी? कम से कम 60,000 वोट से ऊपर, क्योंकि हमारा एक मुश्त वोट है और जहाँ निषाद खड़ा हो जाते हैं, जिस नाव में निषाद खड़ा रहता है, निषाद नैया पार करता त्रेता में भगवान राम की जैसे, तो इसी तरीके से वहाँ NDA लड़ रहे हैं ना, दारा अकेले नहीं लड़ रहे हैं, NDA डॉक्टर संजय, ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल हैं, मोदी जी, योगी जी हैं, ये सारे चेहरे पर वोट है और सारे लोग मिलकर वोट दे रहे हैं। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने 9 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को दीवानी न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसके प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करेगी, जिससे लोग 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करवा सकें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, शमनीय वाद, भूमि वाद, बैंक वसूली, आपराधिक मामलों सहित अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, उसमें ऐसे सभी मामले जो छोटे छोटे हैं, आपराधिक हैं, बैंक से संबंधित है और दीवानी मामले भी, जिनमें पक्ष आपस में बैठ के सुलह समझौते से निस्तारण कर रहे हैं, उनको हम लोग इस बार भी अधिकाधिक संख्या में निस्तारण करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? बात करिए सर। गोरखपुर के लोगों से अपील है कि वर्षों से लंबित मामले जहां भी, जिस भी प्राधिकरण में, अधिकरण में, न्यायालय में, विभाग में उनका लंबित है मामला, वहां प्रयास करके दरखास्त दें और दरखास्त दे करके मामले को निस्तारित कराएं। सर, जो प्रचार वाहन को अभी आपने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, क्या सर ये कहां कहां जाएगी? ये सुदूर गांवों में, रिमोट एरियाज में, जहां प्रायः लोक अदालत की सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों का, गांवों के लोगों का जिनका मुकदमा यहाँ वर्षों से चल रहा है, ऐसे लोगों के को सूचना दी जा रही है प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से, बैंकों की तरफ से वाहन प्रदान किए गए हैं, जिससे अधिकाधिक संख्या में लोग लाभान्वित। जनपद में 6 सितंबर को यायावरी भोजपुरी महोत्सव गोकुल अतिथि भवन में आयोजित होगा, जिसके संबंध में सुधीर मिश्र ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि भोजपुरी भाषा के सम्मान, स्वाभिमान और संरक्षण को समर्पित यायावरी भोजपुरी महोत्सव का आयोजन 6 अगस्त को होगा, जिसमें भोजपुरी, बतकही, विचार, गीत, संगीत और संस्कृति की मिठास महोत्सव में घुलेगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मिथिलेश नारायण एवं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ IPS अधिकारी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज रहेंगे, जिसका उद्घाटन 11:30 बजे होगा, जिसमें कुल 7 सत्र होंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस भोजपुरी महोत्सव में जरूर भाग लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यायावरी भोजपुरी महोत्सव के सदस्य सुधीर मिश्रा ने कहा, नमस्कार, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यानी ई प्रेस वार्ता हमने के आज ऐसे के लिए बनी जा कि हर साल हमने के एगो महोत्सव के आयोजन करने जा, भोजपुरी महोत्सव के, जो उनकी यावरी भोजपुरी महोत्सव के नाम से जाना जाला। ये साल भी ई आयोजन ठनाइल बा गोरखपुर में गोकुल अतिथि भवन बा, वही जे कार्यक्रम हुई, संपन्न हुई। यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मिथिलेश नारायण जी बानी हमनी संगे, जो उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी बानी। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी बानी, वरिष्ठ IPS अधिकारी,
और ये गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के प्रभारी श्री विजेंद्र नारायण जी हमनी के साथे रह। ये कार्यक्रम में डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई के यावरी शिखर सम्मान पुरस्कार से नवाजल जाई, उनका के दिहल वहाँ के दिहल जाई। वहाँ के भोजपुरी में उत्कृष्ट काम खाती ये पुरस्कार हर साले हमनी के देनी जा, ए साल वहाँ के दिहल जाई। ये कार्यक्रम के ये महोत्सव के उद्देश्य ई बा कि भोजपुरी जौन भाषा बा ओकरा बारे में जौन टबू बनल बा, जौन स्टीरियोटाइप बटे कि भोजपुरी में भोजपुरी के मने कि एगो खास तरह के लोगे सुन सकेला चाहे ऐसा कुल बा, वो स्टीरियोटाइप के तोड़े के कोशिश भोजपुरी में व्यापक तौर पर विमर्श, व्यापक तौर पर साहित्य के लेखन हो सकेला, ये चीज खाती हमनी के प्रयासरत बनी जा। जी आम आवाम से क्या अपील है? आम आवाम भोजपुरी भाषी जितना लोग बा वो लोग से बस हाथ जोड़ के ये नहीं हो रहा बटे कि आप सब आई भोजपुरी राव अपन मातृभाषा है, ओकरा बारे में सोची विचारी आई बैठल जाओ, बात बात कही होके चर्चा होके भोजपुरी के सकारात्मक दिशा के लेके। जी नाम बता। जी हमारा नाम सुधीर मिश्र पड़ी, हम यावरी भाई भोजपुरी में वरिष्ठ अनुवादक के रूप में काम करे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह का विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर ने कुलपति राजेश सिंह को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में कुलपति राजेश सिंह ने बताया कि मेरा 3 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, वह चाहे फाइनेंस हो या अन्य हो। इसके अलावा विश्वविद्यालय का रेवेन्यू भी बढ़ा है, विश्वविद्यालय को नेक मूल्यांकन में A+ ग्रेड भी मिला है। इसके अलावा यहाँ पर 2 और यूनिवर्सिटी बनी। उन्होंने कहा कि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए कुछ लोगों को नाराजगी थी, लेकिन किसी को मेरा परेशान करने का कभी भी मनसा नहीं रहा है। मेरा गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमेशा एक जुड़ाव रहेगा, हम आगे भी यहाँ आते रहेंगे। इसके लिए राज्यपाल व मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से 3 साल कार्य करने का मौका मिला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, खुशी है कि हम एक आज सक्सेसफुल कार्यकाल हमने 3 साल में पूरा किया। वो सब लोग जानते हैं, चाहे सेल्फ फाइनेंस में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, आप लिटरली देखिए तो पहले 7 फैकल्टी थी, 8 और ऐड किया हम लोगों ने, 3 इंस्टीट्यूट ऐड किया, 10 डिपार्टमेंट ऐड किए। इसी तरह से सेल्फ फाइनेंस में देखिए तो लिटरली आपने 2500 स्टूडेंट ऐड किए, साथ साथ उसका रेवेन्यू भी बढ़ा पर ईयर लगभग 12.5 करोड़ रुपए। तो लिटरली आप सब ने मिल के 3 साल में एक नई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो कर सकती है किया, और एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर सकती है। लिटरली हम लोगों ने मिल के 3 यूनिवर्सिटी बनाई, एक यूनिवर्सिटी को सजाया, 2 और, और कोई भी आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाइए तो ऐसे ही होता है। ये मैं कई यूनिवर्सिटी में गया, बिहार में भी गया, मेरा ये मानना इतना स्कोप है काम करना, चाहे हर डिपार्टमेंट में स्कोप है, डीन के पास स्कोप है, टीचर के पास इतना स्कोप है, वाइस चांसलर के पास तो बहुत सारा स्कोप है, रजिस्ट्रार के पास बहुत स्कोप है काम करने का। हम लोगों ने उस स्कोप को देखा और साथ मिल के काम किया। कुछ मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, कुछ लोगों की नाराजगियाँ भी रही, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं थी। वो हो जाता है जब आप एक पेस में चलते हैं तो वो पेस में काम नहीं होता है, तो वो रूटीन चीज़ें हैं और उसकी भी ज़रूरत है थोड़ा बहुत, लेकिन इंटेंशन किसी को हार्म करने का नहीं था कभी भी। और उसके बाद भी अगर मैंने कभी कुछ किया तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मेरा कई सिस्टम में काम किया हूँ, तो चाहे फाइनेंशियल रूल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, स्टेट में गवर्नमेंट में काम किया हूँ,
एक गवर्नमेंट में काम किया हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा मदद करता है। और हम लोग ने किया वही तरीके हैं यूनिवर्सिटी को आगे, कोई और नए तरीके नहीं है, वो बड़े सिंपल हैं, आप कर होता जाएगा। इट्स लाइक मैथमेटिक्स, आप सफाई करिएगा सफाई होगी, नहीं करिएगा तो नहीं होगी। और आपने एक ऊंचाई पाई है 3.78, कहीं भी जाइए हमारे स्टेट से आप जाता हूँ तो हम लोग को कंपेयर कर, हम लोग एस एस आर को देखते हैं, हम लोग ने क्या किया है उसके फीडबैक मांगते हैं। यूपी को छोड़ के भी बता रहा हूँ, यूपी में तो है ही है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और सर्टनली वो कोई अकेले का अचीवमेंट नहीं होता है, उसके लिए आप सभी थे, चाहे सारे स्टेक होल्डर, टीचर्स, ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, सभी ने मिलकर काम किया। आज मैं खासकर महामहिम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, महामहिम ने मुझे मौका दिया 3 साल सक्सेसफुली काम करने का। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया गोरखपुर में रह के काम करने का। मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे हमारे ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे डीन्स हों, चाहे हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हों, और चाहे टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जब इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गया तो पहले मुझे भी मेरे को लगता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी नोन है, लेकिन मैंने देखा कि हम कहीं कम नहीं हैं, कई जगह हमारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और आप बाहर जाइए जो समझ में आती है, अपने बहुत सारी चीज़ें डिपार्टमेंट्स मैनेजमेंट, ये साइंस फैकल्टी खासकर और आर्ट्स फैकल्टी बहुत विशाल है, ये सब चीज़ें जो बाहर जाइए तो समझ में आएगा आपकी कितनी डेप्थ है। और आज आप लोग आए। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यापकों ने जिलाध्यक्ष राजेश धर दुबे के नेतृत्व में 17 सूत्री मांगों को लेकर बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश धर दुबे ने बताया कि हम लोगों की 17 मांगे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरानी पेंशन बहाली है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक व रसोईया भी हमारे साथ विद्यालय में एक साथ कार्य करते हुए अपने अपने उत्तरदायित्व का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन इनका मानदेय नियमित नहीं मिलता है, जिससे हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मेडिकल सुविधा दी जाए, क्योंकि किसी भी शिक्षक को कोई भी बीमारी हो सकती है, इसलिए मेडिकल सुविधा दी जाए। और बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की पदोन्नति व तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के नेत्रधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भांति चयन वेतनमान के अंतर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान अनुमेय किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश धरदुबे ने कहा, हमारी सबसे जो प्रमुख मांग है कि 1/4/2005 से जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के साथियों का OPS खत्म करके, पुरानी पेंशन को खत्म करके नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसका न कोई ठिकाना है न पता है। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी हमारे प्रसिद्ध शिक्षकों को, कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित किया जाए, और साथ ही पुरानी पेंशन की मांग के साथ साथ हमारी 17 मांगें और हैं जो हमारे विभाग से संबंधित हैं, जैसे हमारे राज्य कर्मचारियों के साथियों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी गई है, शिक्षकों को उसे वंचित किया गया है। क्या बीमारी कोई ये देख के आती है कि हम शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, या कोई ये देख के आती है इस जात के होंगे उस जात को नहीं होंगे, तो हमारी मांग है कि हम भी आपके कर्मचारी हैं, हम भी आपके शिक्षक हैं, जैसे आपने राज्य कर्मचारियों को कैसे चिकित्सा का की सुविधा दी है वैसे हमारे शिक्षकों को दीजिए। और उसके बाद एक और प्रमुख मांग हमारी है कि हमें निरंतर, चाहे गर्मी की छुट्टियाँ हों या कोई भी अवकाश हो, ये विभाग कार्यालय रह रहा है, लेकिन हमें
हमारे अपने कार्यों के लिए, जैसे हमें अपनी बेटी की शादी करनी हो, भगवान न करे हमारे यहाँ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, इसमें अपने माता पिता का संस्कार करना हो, उसके लिए हमें मेडिकल के अलावा कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो हमने सरकार से मांग किया है कि हमारे गर्मी की छुट्टियों में अब हमसे सारे जो शिक्षणेतर कार्य हैं वो करा लो, लेकिन हमें हमारे ऐच्छिक रूप से जब हमें आवश्यकता पड़े तो कम से कम साल में 30 दिन का EL हमें दे दो। इसके साथ ही बहुत सारी और मांगे हैं, 17 और 1 पेंशन 18 सूत्री मांग है, जिसके आधार पर आज पूरे प्रदेश में 75 जिले में हमारे शिक्षक साथी BSA कार्यालय पर आज धरना दे रहे हैं। आप गोरखपुर में भी देख रहे हैं कि लगभग 90% की संख्या में हमारे साथी, जिन्हें स्कूलों में रहना चाहिए था लेकिन इस संवेदनशील सरकार और उनके अधिकारियों, सरकार से भी ज़्यादा संवेदनहीन उनके बड़े अधिकारी हैं, जो हमारी भावना को समझते नहीं हैं, हमारी पीड़ा को नहीं समझते हैं। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक 10-10 आदेश जारी किए जाते हैं। अभी उनसे खुद ही पूछ दिया जाए किसी इंटरव्यू में कि आपके विद्यालयों में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, तो शायद मैं वो गिना देंगे तो मैं अपनी कुर्सी को छोड़ के या दर्जी का चाहे नौकरी का छोड़ के मैं चला जाऊंगा। लेकिन उनको भी नहीं पता है कि हमने कितना आदेश कर दिया है, और आज हमारे ऊपर हर प्रेशर रहता है ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, निपुण बना दीजिए। हम कैसे निपुण बनाएंगे? हमको पढ़ाने तो दिया नहीं जा रहा है, हमें एक शिक्षक तो रहने नहीं दिया जा रहा है, हमें केवल इन्फॉर्मर बना दिया गया है, बता दिया जाए कि ऐसे 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 पढ़ाइए। हमने BTC ट्रेनिंग की है, हमने BA ट्रेनिंग की है, हमने विशेष BTC ट्रेनिंग की है, उस ट्रेनिंग का क्या मतलब, इतना पैसा गंवाने का क्या मतलब है? इनकी योजनाएं हैं कि हमारे जो गरीब और मजदूरों के बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको शिक्षा से वंचित करने का पूरा षड्यंत्र यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कर रही है। हम उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के स्थानीय हमारे नेता हैं महाराज जी, मैं उनसे मांग करता हूँ कि शिक्षकों की समस्याएं हों या विभाग की कोई व्यवस्था हो, विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक कार्य करता है। एक शिक्षक को उन्होंने BSA के रूप में गोरखपुर में भेजा हुआ, उस शिक्षक रहे हैं, आप पूछिए पूरे शिक्षक से, हमारा कोई भी शिक्षक साथी आदरणीय BSA साहब के विरोध में नहीं बोल सकता है। वो हर एक शिक्षक की पीड़ा समझते हैं और विभाग को गतिमान कर रहे हैं, लेकिन जिसको शिक्षा से कोई मामला नहीं है, जिन्होंने शिक्षक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, वो हमारे मुख्य पद पर बैठा हुआ है और नित नए रोज अनर्गल आदेश जारी किए जा रहे हैं। इससे पूरा का पूरा शिक्षक समाज आहत है, मर्माहत है, और आदरणीय महाराज जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करता है गोरखपुर के रहने के नाते, और हमारा अधिकार उनके प्रति है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए तुरंत शासन की बैठक बुलाएं, और जो भी समस्याएं हमारी जेन्युइन है, हमारी कोई अजेन्युइन मांग नहीं मांग रहे हैं, हम सारे हमारी मांगें जेन्युइन हैं, उनको पूरी करने का प्रयास करें। मैं राजेश दर्दुबे, जिला अध्यक्ष प्रार्थना। डेंगू बुखार से रोकथाम के लिए 38 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें डोर टू डोर पहुंचकर मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया आदि की रोकथाम की जांच करने के साथ मच्छर के खात्मे के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव, पब्लिक को जागरूक करना और बीमारियों की रोकथाम पर काम कर रहे हैं। गोरखपुर जिले में भी डेंगू के मामले मिले हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में केस सामने आ रहे हैं। अब तक 23 केसेस की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी कई मरीजों का BRD मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। संवेदनशील इलाकों के लिए कुल 38 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें बीमारी की रोकथाम और लोगों को बचाव के प्रति जागरूक करने में जुटी हैं। साथ ही लोगों के घरों में जमा पानी में मच्छर के लार्वा मिलने पर सोर्स डिटेक्शन का कार्य भी करवा रही है। जिनके घर में लार्वा मिल रहा है, विभाग उन्हें नोटिस दे रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, हमारी जो सोर्स डिटेक्शन की टीमें हैं वो 38 टीमें पूरे लगातार क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जहां पर डेंगू के केसेस निकल रहे हैं वहां पर एंटी डेंगू एक्टिविटी जो होती है कर रही हैं, लोगों को स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की सलाह दे रही हैं, पानी की से जमा पानी को हटाने की बात कर रही हैं, झाड़ियों की सफाई की बात की जा रही है, नालियों को ढकने का काम कराया जा रहा है और दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। घरों के अंदर कहीं पर पानी एकत्र ना हो इसकी लोगों को सीख दी जा रही है और मच्छरों से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जहां पर तैयारी में हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और जिला अस्पताल में एलाइजा के किट अवेलेबल किए गए हैं, डेंगू के किट अवेलेबल किए गए हैं और हमारी CHO लगातार टेली कंसल्टेशन के जरिए भी बुखार के मरीजों का उपचार कर रही है। इसके अलावा जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर 5-5 बेड मच्छरदानी युक्त आरक्षित किए गए हैं, जिला अस्पताल में 15 बेड आरक्षित किए गए हैं
अगर हम डेंगू केसेस की बात करते हैं तो हमारे पास 23 केसेस कुल अभी तक हैं और सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जा चुके हैं। शाहपुर थाना की पुलिस टीम ने शॉपिंग मार्ट में चोरी की घटना के वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किए गए शातिर चोर के पास से चोरी का 1,11,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व हेलमेट भी बरामद किया है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने खुलासा करते हुए बताया कि शॉपिंग मार्ट में स्वीपर ने हेलमेट और मास्क लगाकर मार्ट के अंदर दाखिल हुआ था। मौका देखकर स्टोर में छुप गया। मार्ट बंद होने के बाद कैश काउंटर से 1,50,000 रुपए नगदी चुराकर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि शाहपुर पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी स्वीपर सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर के पास से चोरी का 1,11,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व हेलमेट भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि उधारी का पैसा चुकाने के लिए स्वीपर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, थाना शाहपुर को एक अच्छी सफलता मिली है जिसमें उन्होंने एक ऐसे शातिर चोर को पकड़ा है जिसने 28 तारीख को एक मार्ट जहां पे वह सफाई का काम करता था, उस व्यक्ति को पहले से जानकारी थी कि किस तरीके से मुझे इस घटना को अंजाम देना है। उसने पूरा प्रॉपर प्लानिंग किया, क्राइम पेट्रोल वगैरह इस तरीके की तमाम सीरीज को देख के शाम को 5:30 बजे के आसपास वह अपनी सफाई करके बाद वहां से बाहर निकला और 6:30 बजे के आसपास वह वापस आया और अपना हेलमेट पहन के और मास्क पहन के वो दुकान के अंदर घुसा और उसके बाद में अपने आप को एक स्टोर रूम में छुपा लिया। करीबन 3-3.5 घंटे स्टैटिक रहने के बाद में उस व्यक्ति ने और लाइट भी चली जाए और इसके बाद में वो निकला और हाथ में अपने ग्लव्स पहने और सर्जिकल ग्लव्स ताकि उसकी इम्प्रिंट्स जो है वो किसी भी चीज़ पे ना आए और उसके बाद में उसने गले से करीबन 1.5 लाख रुपया जो है जैसा EFIR में बताया गया उसके हिसाब से निकाल लिए और निकालने के बाद में व्यक्ति पीछे के गेट से निकल गया। इस घटना की सूचना EFIR के माध्यम से जो वादी हैं राजेश कुमार सिंह जिनकी ग्रोसरी की शॉप है उन्होंने दी। उसको फिर थाने से जब विवेचना की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वीमार्ट के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए और आसपास के करीबन 20 कैमराज के सीसीटीवी दिखाने पे पता चला कि ये व्यक्ति सेम व्हाइट शर्ट पहने हुए और जिसके एक कुछ दिन बाद भी आई है, उससे पहले भी वो उसी शॉप में रहा है। जब बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उन सबको जो पैटर्न देखा गया सेम पैटर्न और एक ही सेम व्हाइट शर्ट दाग लगा हुआ जब मिला पुलिस को शक गहरा हुआ तो उससे पूछताछ की और सघन पूछताछ में उस व्यक्ति ने चोरी करना कबूला और करीबन उसके पास से 1,11,000 रुपये जो चोरी किए थे वो बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ जो बाइक और जो हेलमेट है घटना में प्रयुक्त हुए थे वो भी बरामद किए गए। तो चोरी करने के पीछे इसका मोटिव क्या था? इसकी अपनी लाइफस्टाइल है, जो जिस प्रकार की लाइफस्टाइल है जी रहा है, इसके अपने बियॉन्ड लिमिट्स बियॉन्ड इसकी सैलरी से ज्यादा थे एक्सपेंसेस और उन्हीं एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इसने ये चोरी को अंजाम दिया। इस चोरी को प्लान किया था लेकिन जो टीम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे केस को क्रैक किया है एंड दे रियली डिजर्व्स कांग्रेचुलेशंस। गोरखपुर के साइबर सेल टीम को अहम कामयाबी हाथ लगी है। साइबर सेल की टीम ने CEIR पोर्टल ऐप के जरिए 4 मोबाइल फोन की बरामदगी की है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने खुलासा करते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में पूरे भारत में CEIR पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसकी मदद से साइबर सेल की टीम द्वारा कैंट और तिवारीपुर इलाके से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा, अगर आपका मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया हो तो आप तत्काल स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करें और IMEI को अवरुद्ध करने के लिए इस वेब पोर्टल का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि IMEI को अवरुद्ध करने के लिए अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता आउटलेट या पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, भारत सरकार द्वारा सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR करके एक पोर्टल बनाया गया था जो कि जितने भी स्टोलन डिवाइस हैं जितने भी चोरी किए हुए डिवाइसेज हैं उनका एक रिपोर्टिंग सिस्टम है
इसमें जितने भी IMEI बेस्ड जितने भी मोबाइल या डिवाइसेज हैं जो चलते हैं, उन सबको एक जगह पे उनकी अगर खोए जाने की रिपोर्टिंग की जाती है इस पोर्टल पर, तो वो पोर्टल फिर उसको ब्लॉक कर देता है। तो किसी भी व्यक्ति का मान लो फ़ोन खोता है या किसी प्रकार का गैजेट खोता है, तो अपने एप्लीकेशन के साथ में अपना IMEI डाल के वो उसको ब्लॉक करवा सकता है। बाद में जब कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको फ़ोन को यूज़ करेगा, उसमें सिम कार्ड डालेगा, तो जो कंसर्न टावर है वहाँ पे सिग्नल चला जाएगा कि ये नंबर है, इस व्यक्ति ने इसको फ़ोन को चलाने का प्रयास किया है। वो फिर जो हमारा नोडल ऑफिसर होता है जनपद गोरखपुर का, उसको बाद अलर्ट आता है कि फलां मोबाइल है ये चालू हुआ है और आपने ब्लॉक कर रखा था, तो उसके बाद उस व्यक्ति को कॉल करके उनसे मोबाइल मंगवा लिया जाता है। इस तरीके से टोटल 4 मोबाइल अभी तक जनपद गोरखपुर में CIR पोर्टल चालू होने के बाद में, अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, काफ़ी महंगे फ़ोन्स हैं, इनको रिकवर किया है और आज जिन लोगों के फ़ोन खोए थे उनको दिए जा रहे हैं। आम जनता से मेरे यही अनुरोध है कि जब कभी चाहे आपका फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है या ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें आप नहीं ढूंढ पाते हैं, आप चाहते हैं कि उनका कोई मिसयूज़ ना हो, तो आप अपना मोबाइल नंबर, IMEI एड्रेस, ये सब चीज़ें ब्लॉक करवा सकते हैं। और जब कभी बाद में जब इसको लीगली ढूंढा जाएगा, उसके बाद में आपको वापस चालू करने की सुविधा CIR पोर्टल से मिलती है। क्या चीज़ बोली? नहीं, उसके लिए प्रॉपर उसका सिस्टम है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भी तो किसी दूसरे व्यक्ति का IMEI पाके रिपोर्ट कर सकता है, वो सारे चेक्स एंड बैलेंस है, इस प्रकार की किसी प्रकार का कोई। जन्माष्टमी त्यौहार को लेकर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जन्माष्टमी त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा को लेकर सभी थानेदारों को निर्देशित कर दिया गया है। सभी थानेदार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएंगे। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन सहित सभी थानों पर भी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए आगामी दिनों में जन्माष्टमी का त्यौहार जनपद गोरखपुर में विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाएगा, साथ ही साथ जनपद गोरखपुर के पुलिस लाइन्स में भी बड़ी भव्यता से ये त्यौहार मनाने की सभी तैयारियां चल रही हैं। इस संबंध में मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, सभी थाना प्रभारियों को और राजपत्रित अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां पर भी आयोजन होते हैं, कहीं पर कोई सार्वजनिक आयोजन होते हैं, पहले से ही वहां की व्यवस्था देख लें, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहें। यदि पूर्व में कोई किसी प्रकार की कोई घटना का संज्ञान में आया है तो उसको पहले से ही उस संबंध में कार्रवाई कर लें। मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में इस त्यौहार को मनाने के लिए अपील।